हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट है 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab² अगर आपने आइडेंटिटी सारी लर्न कर ली हैं, तो आपको ये आइडेंटिटी कुछ किस फॉर्म में दिखेगी, x + y³ + x³ + y³ + 3x² + 3xy² कुछ ऐसे ही फॉर्म में, फोर टर्म्स में दिख रही है, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको आइडेंटिटी अपनी याद रखनी पड़ेगी। और अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट 8a³ + b³ + 12a²b + 6ab² अब उस आइडेंटिटी को माइंड में रखना है और माइंड में रखते हुए सॉल्व करना है। फर्स्ट टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं ये बताओ। फर्स्ट टर्म 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, प्लस b खुद में एक क्यूब है, प्लस अब देखो दो नंबर आ गए ना, a और b की वैल्यू कहीं ना कहीं हमें मिल गई है। तो यहां पर देखो क्या होगा, 3 into a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मींस 2a का स्क्वायर, b की वैल्यू b, क्या इस टर्म का मल्टीप्लाई करो, देखो 2a का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4a का स्क्वायर, और 4 3 12 12a² b आ जाएगा, सेम चीज लिखी है। फिर 3 into a की वैल्यू कितनी है, 2a, और b का स्क्वायर कर देंगे, ये भी सेम चीज लिखी है, कोई डाउट नहीं है अभी तक। अगर यहां पे अगर कोई डाउट नहीं है तो यहां पे हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज x + y³ क्या होता है, x³ + y³ + 3x² y + 3xy² इसलिए मैं इस पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखूंगा। सो ये वैल्यू क्या हो गई, a b, फिर 3a का स्क्वायर b, फिर 3 का b a एंड b स्क्वायर। सो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, 2a + b³, दैट इज योर आंसर। देखो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 8a³ - b³ - 12a²b + 6ab² आपको क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी पॉसिबली यहां पे लग सकती है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी चैप्टर में बहुत सारी हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, स्क्वायर के अलग हैं, क्यूब के अलग हैं, तो आपको आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्यूब क्यूब स्क्वायर दो बार आ रहा है, क्यूब दो बार आ रहा है, मतलब आपको यहां से क्लिक करना चाहिए। अब देखो यहां पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, दो वैल्यू नेगेटिव और दो वैल्यू पॉजिटिव, तो इसमें देखना सेम 2a³ लिखेंगे, 2a³ माइनस ये प्लस लिख के माइनस का b³ लिख लेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव ही आएगा। यहां पे देखो माइनस और लिखेंगे क्या, 3, यहां पे भी प्लस लिखेंगे और 3 into क्या किया, a की वैल्यू 2a का स्क्वायर एंड b की वैल्यू माइनस b। इससे आगे बढ़ने से पहले इसको एक बार सॉल्व करके मैच कर लेना, क्या ये सेम चीज आ रही है। 3 यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और a का स्क्वायर a, 4 3 12 a² - b, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, मीन सही टर्म लिखा है हमने यहाँ पे। फिर अगेन 3 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यहाँ पे देखो a की वैल्यू पे क्या है, 2a। ये सिर्फ अपनी कॉमन सेंस क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज कई बार ऐसे क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड नहीं होती, तो आप यहां से अगर इनको सिंप्लीफाई कर लिया इन टर्म्स को, दो टर्म आ गए हैं आपके क्यूब वाले, तो वहां से आप वैल्यू पुट करके फिर क्रॉस कर लेना, इससे आंसर सही आ जाएगा। फिर माइनस का b² ये चीज हो गई, ठीक है। अभी देखो यहां क्या ये टर्म सेम है, 3 2 6 6 माइनस बी का स्क्वायर है, स्क्वायर होगा माइनस का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यहां से आंसर पॉजिटिव 6ab² आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है यहां तक। यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, बिकॉज क्या हो जाएगा, x - y लिखेंगे इक्वल्स टू x³ + y³ +
दिस इज माइनस माइनस वाई क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर वाई एंड प्लस का थ्री एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे ये टर्म माइनस हो जाएगा और ये टर्म, तो क्या हो जाएगा टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस नहीं माइनस का थ्री, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे टू ए माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज योर आंसर। क्योंकि b की वैल्यू जहां पे भी देखोगे आप नेगेटिव में, a की वैल्यू जहां पे भी देखोगे पॉजिटिव है, सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखने के लिए इरेज करते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और थर्ड क्वेश्चन इज 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव दो वैल्यूज है, मतलब ए माइनस बी, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो। फर्स्ट टर्म को मैं लिखूंगा 3 का क्यूब माइनस, ये किसका क्यूब है 5 का, 5a का होल क्यूब माइनस। अब देखो दो वैल्यूज आ चुकी हैं, यहां पे लिखते टाइम भी याद रखना प्लस माइनस का 5a क्यूब ऐसे लिखना है। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, या x की वैल्यू कह सकते हो, y की वैल्यू कह सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा टर्म होगा प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर कितना होगा 2a का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है माइनस 5a प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 3 एंड b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5a का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो वैल्यू सेम है, 3 का 3 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू माइनस 5, देखो तीनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 9 फाइव जा 45 और 45 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 135 और ये नेगेटिव साइन इसको नेगेटिव कर देगा। ठीक है, ऐसे ही सेम ये वैल्यू भी हो जाएगी। सो अभी हम यहाँ पे इसमें क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, सो मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस 5 ए का होल क्यूब इज राइट आंसर, वो स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं फोर्थ वन, फोर्थ क्वेश्चन हमारा 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी। 64 इज क्यूब ऑफ 4, 4a का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, एक सेकेंड फिर से मिस्टेक की ना, प्लस माइनस 3b का क्यूब माइनस, अब 3 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू 4a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू माइनस का 3b। अब मल्टीप्लाई करो, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 और 48 इंटू 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा 144 और a स्क्वायर एंड b की वैल्यू यहां से माइनस वाली वैल्यू पूरी इक्वेशन को क्या करेगी माइनस, पूरे टर्म को माइनस कर देगी प्लस। फिर से हम 3 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 4a एंड b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3b स्क्वायर। सो यहां से देखो 4 3 जा 12 और 3 का स्क्वायर 9, 9 12 जा 108, ए बी स्क्वायर नेगेटिव है, स्क्वायर होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म आ जाएगा। क्लियर? तो यहां से भी हमारा आंसर क्या आएगा 4a और b की वैल्यू कितनी है माइनस 3b का होल क्यूब, दैट इज योर आंसर। और फैक्टराइज करना मतलब क्यूब है, सो यहां पे हम इनको कुछ इस तरह से भी आंसर हमारा लिख सकते हैं 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। क्लियर? सो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5। इधर कर सकता क्वेश्चन नंबर 5 इज 27 पी क्यूब माइनस 1 अपॉन 216 एंड माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4p। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, तो इसके लिए ध्यान से देखना, इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं 3p क्यूब
लिख सकता हूं माइनस, इस टर्म को मैं क्या लिखूंगा, 1/16 का क्यूब, नहीं 6 का क्यूब, 16 नहीं 6 का क्यूब होगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा माइनस में। फिर माइनस का अब हमें लिखना है 3 इंटू, प्लस का लिखा इसको और 3 इंटू करेंगे किससे, a की वैल्यू कितनी है 3p, अब इंटू करने वाले हैं हम किसको, इसका स्क्वायर किया इंटू माइनस 1/6। देखो क्या ये टर्म जो आ रहा है ये सेम है, 9/2 है, देखो यहां से 3 से इसको कैंसिल करोगे 2 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9, इस पर्टिकुलर टर्म को जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, -9/2, फिर आपको क्या करना है प्लस और 1/4 है तो यहां पे 3 इंटू क्या करना है आपको 3p और फिर -1/p का स्क्वायर, इसको अभी इसका भी सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इसका सोल्यूशन हमारा गड़बड़ हो रहा है ना, यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन हमारा मिस्टेक हो रही है, 3 किया a, 6 है ना, ये तो b लिख रहा हूँ 6, ठीक है -1/6। सो अभी देखो 3 से ए भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 कैसे आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, 6 का स्क्वायर है यहाँ पे, ओके 6 × 6 हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 3 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स में एंड 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है सही है, क्लियर। सो अब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, a की वैल्यू 3p या x की वैल्यू कह सकते हैं 1/y की वैल्यू 1/6 का होल क्यूब, दैट इज योर आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, ये था क्वेश्चन नंबर 8, कुछ इस तरह से आप फैक्टराइज कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई करना है x³ + y³ = x + y इन अनदर ब्रैकेट x² - xy + y² तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले RHS वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, दोनों ही इक्वल है कि नहीं ये हमें बताना है, तो RHS लेते हैं। RHS क्या है, x + y इन अनदर ब्रैकेट x² - xy + y² है। सो यहाँ से देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म से, सो x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब हो जाएगा, फिर x - xy के साथ होगा तो -x² y हो जाएगा, फिर xy के साथ होगा सो प्लस का xy² राइट, माइनस प्लस y² क्या हो जाएगा, प्लस का x² y एंड y जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा सो माइनस का xy² और y किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, y का y के साथ करेंगे तो प्लस का y³, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यही हमने फर्स्टली क्या किया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x² x का xy के साथ किया माइनस का x² y एंड x का y के साथ मल्टीप्लाई किया xy² क्लियर। फिर y को किया x के साथ x² y का किया माइनस xy के साथ सो माइनस xy y का स्क्वायर प्लस y² का y³, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, देखो यहाँ पे माइनस x² y है और यहाँ पे प्लस x² y है, कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस xy² - xy² ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा x³ + y³ दैट इज इक्वल्स टू LHS वेरीफाइड, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9th का सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट में भी हम क्या लेंगे, सेकेंड पार्ट है हमारा x³ - y³ = x - y इन अनदर ब्रैकेट x² + xy + y² ये है, ठीक है। सो क्या करेंगे भाई, हम फिर से RHS लेंगे, सो RHS से हमें क्या मिलेगा, देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x³ हो जाएगा, x का xy के साथ मल्टीप्लाई करोगे प्लस का x² y हो जाएगा, x को y² के साथ करोगे प्लस का xy² होगा, क्लियर। अब जो भी टर्म्स के करोगे नेगेटिव से करोगे तो सारे आंसर नेगेटिव आएंगे, माइनस y के साथ करोगे तो x² y माइनस का x² xy² फिर y का इसके साथ करोगे तो माइनस का y³। यहाँ से देखो x² y है और नेगेटिव में कैंसिल आउट, यहाँ पे देखो xy² है नेगेटिव में xy² है,
कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू एल एच एस एंड वेरीफाइड। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी दोनों ही क्या है, आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है। अगर इस फॉर्म में है तो हम उसको फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है, तो हम सिंपली सी आइडेंटिटी पे इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10, वो हम देख लेते हैं। ओके, सो फैक्टराइज करना है इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया सेम वैसे ही लिखा है, बट फर्स्ट क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, 27y³ + 125z³ को मैं लिख सकता हूँ क्या, 3y³ + 5z³। बोलो इतनी चीज मैं लिख सकता हूं, अब एक्सपेंड कर देंगे क्या, ध्यान से देखना, 3y³ + 5z³ क्या हो जाएगा, a प्लस बी मीन्स 3y + 5z, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर मीन्स 3y² माइनस एक्स वाई, 3y × 5z, फिर प्लस y का स्क्वायर 5z का स्क्वायर, ये लिखेंगे थोड़ा सा इसको हम ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे, 5z, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर दैट इज 9y² माइनस का 15yz प्लस 25z², ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, किसका, 3y³ + 5z³ का, ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, 64m³ = 343n³। ठीक है, देखो इक्वल नहीं, माइनस का, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64 is 4m³ - 343 7n³। अब यहां पे हम फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4m³ - 7n³, दैट इज, देखो जब पॉजिटिव वाला था सिर्फ और सिर्फ एक टर्म मिडल वाला जो एक्स वाई है वो नेगेटिव हो रहा था, बट इसमें स्टार्टिंग में क्या बोला गया, 4m मतलब a माइनस बी या x माइनस बी, सो 7n x माइनस वाई कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट में x का स्क्वायर करने का मतलब है 4m² प्लस एक्स वाई, 4m × 7n प्लस y² 7n² दिस। सो सिंप्लीफाई कर दो, 4m - 7n एक ब्रैकेट में, इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा, 16m² 4 7 28 28mn प्लस 49n², ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।